प्रदेश में कॉलेज में पढ़ने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के लिए आवाज उठा रही एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार को 15 जुलाई तक फैसला लेने की मांग की है। हमीरपुर में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही फैसला नहीं लेती है तो एनएसयूआई मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाकर विरोध करेंगे। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार पर छात्रों की आवाज को अनसुना करने के आरोप लगाए। एनएसयूआई का मानना है कि सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार आए दिन नए फरमान जारी कर छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई सरकार से मांग करती है कि छात्रों को प्रमोट करने पर सरकार 15 जुलाई से पूर्व कोई फैसला करे, अन्यथा छात्र सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाकर विरोध करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य है जो छात्र वर्ग जो है उनको प्रमोट करने का, विशेषकर जो फाइनल ईयर के छात्र हैं और कॉलेज के जितने भी छात्र हैं उनको प्रमोट करने का मुद्दा जो है हम लोग लगातार सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन भी जो है वो प्रशासन को सौंप दिए हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई फैसला जो है वो सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाल कर सरकार जो है वो छात्रों को जो है वो बरगलाने का काम कर रही है। पहले सरकार बोल रही थी कि 15 जुलाई से हम हर हालत में एग्ज़ाम जो है वो शुरू कर देंगे, और अब सरकार कह रही है कि हम लोग जो हैं वो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो एग्ज़ाम लगा देगी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप लोग 15 जुलाई तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं छात्रों को प्रमोट करने की, तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और शिक्षा मंत्री जी और वाइस चांसलर के पुतले जो है वो पूरे प्रदेश भर में फूकेगी, और जो छात्रों की लड़ाई है उसको सड़क से लेकर जो है वो न्यायालय तक लड़ेगी। वहीं टोनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पलटू राम से भी संबोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री बार बार अपने फैसलों से पलट जाते हैं, इसलिए उन्हें इस नाम से पुकारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर छात्र हित में फैसले लेते हैं तो एनएसयूआई उनके फैसलों का स्वागत करेगी। आप लोगों को पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनको पलटू राम जो है वो बोलना उचित होगा, क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, दूसरी उससे पहले बदल देते हैं, यानी अपने निर्णय जो है वो लगातार पलटते रहते हैं। तो हमारा पलटू राम जी से अनुरोध है कि बच्चों को जो है वो प्रमोट करने का फैसला जो है वो जल्द से जल्द लें, और हम लोग जो हैं अगर वो इस तरह के फैसले लेते हैं तो उनके फैसले का ज़रूर स्वागत करेंगे। धन्यवाद।